नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। कश्मीर में आतंकियों का काल बन गया सीसीटीवी कैमरे। बखलाहट में आतंकी तोड़ रहे सीसीटीवी कैमरे, वो हम आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट, यूक्रेन दौरे के बाद अब भारत आ रहे ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन। फ्री ट्रेड डील सहित तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा। रशिया में लग चुका है इनका पूरी तरीके से बैन। तीसरी बड़ी अपडेट, जीडीपी की रेस में चाइना से आगे निकल रहा भारत। लॉकडाउन में चीन की 40 करोड़ आबादी हो चुकी है, जबकि भारत इस समय तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था बन रहा है। IMF ने भी बजाया डंका। चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, भारत के सामने घुटने टेके नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। पीएम मोदी की चिट्ठी का दिया जवाब, कहा बोले शांति चाहते हैं, शांति शांतिपूर्ण संबंध चाहते हैं, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच चीन की चालबाजी बेनकाब। LAC के पास लगाए गए 3 मोबाइल टावर, स्थानीय पार्षद ने शेयर की तस्वीर, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आखिर क्यों चाइना चाहता है भारत से टकराहट। क्या LAC के पास 3 मोबाइल टावरों को लेकर भारत अलर्ट। वहीं यूक्रेन रूस युद्ध के बीच खतरनाक खतरनाक हथियार यूक्रेन को मुहैया करा रहे हैं पश्चिमी देश, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच रशिया ने यूक्रेन पर किया जेपोरेजिया फास्फोरस बम वर्षा, बड़ी खबर, वो हम आपको बताएंगे। खौफनाक मंजर दिखा। वहीं यरूशलम में तनाव जारी है, अलक्सा मस्जिद पहुंची इजराइल की पुलिस, 2 फलस्तीनियों को किया गिरफ्तार, वो भी हम आपको बताएंगे। 8 दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं मॉरिशस के PM, वो भी बताएंगे। तो एक एक करके विस्तार से आपको खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट, कश्मीर में आतंकियों के लिए काल बने कैमरे। बौखलाहट में आतंकियों ने दी CCTV लगाने की धमकी। दरअसल सुरक्षा बलों ने अपनी जान बचाने फिर से आतंकी अब CCTV कैमरों से पूरी तरीके से डरे हुए हैं। ये लोगों को CCTV कैमरे न लगाने का फरमान सुनाते कह रहे हैं, इसमें दूर रहो अन्यथा परिणाम भुगतने को तैयार रहो। वो इसे आम कश्मीरी औरतों को निजता के साथ जोड़ते हुए कह रहे हैं कि इनमें हमारी माँ बहनों की तस्वीरें कैद हो जाती हैं। इस बीच पुलिस ने आतंकी धमकियों का संज्ञान लेते हुए लोगों की सुरक्षा, पूरी सुरक्षा का यकीन दिलाते हुए कहा है कि धमकी देने वाले जल्द पकड़े जाएंगे। यहाँ CCTV कैमरा होगा और वहाँ पकड़े जाने वाले डर से आतंकी नहीं आएंगे। तो ये एक तरीके से बड़ा अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बिग ब्रेकिंग। GDP की रेस में भारत से पिछड़ेगा ड्रैगन। जी हाँ, चाइना को मात देने की तैयारी में भारत। दरअसल 2.5 साल पहले चीन से कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी, तब से दुनिया इससे उभरने का प्रयास कर रही है। हालांकि अब कोरोना महामारी एक और लहर का खतरा सामने आ चुका है। चीन में कोरोना के सामने मामले फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं और कई शहरों में लॉकडाउन लगाया जा चुका है। हालात ये भी हैं कि चीन की 1/3 आबादी लॉकडाउन के घेरे में है। इनका चीन की GDP के बढ़ने की रफ्तार सुस्त होने की आशंका बढ़ गई है। दूसरी ओर भारत की GDP फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में बढ़िया परफॉर्म करने की राह पर है। आपको बता दें, चीन अभी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है। लंबे समय तक चीन सबसे तेज़ ग्रोथ करने वाली इकॉनमी रहा है, हालांकि बाद में भारत ने चीन से ये तमगा छीन लिया था। हालांकि बाद में अब भारत भी कोरोना महामारी की चपेट में आया, दूसरे देशों में लंबा लॉकडाउन लगाया गया, फिर चीन भारत से आगे निकल गया। लेकिन आपको बता दें, अब जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, चाइना में फिर से 40 करोड़ लोग जो है लॉकडाउन में रहे हैं और यहाँ पर बड़े पैमाने पर पर डे 25,000 से ज़्यादा मामले निकल के आ रहे हैं। ऐसे में भारत तेज़ी के साथ अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है। भारत की बात करें तो अभी IMF ने नया रिपोर्ट दिया था जिसमें भारत बड़ी तेज़ी के साथ GDP की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये भारत के लिए बड़ी खबर निकल के आई है और चाइना के लिए कहीं ना कहीं ये करारा झटका होगा। IMF ने कहा है कि आने वाले समय में अगर लॉकडाउन 6 से 7 महीने चाइना में लगा तो GDP की रेस में जो है ड्रैगन भारत से ही पीछे हो जाएगा, अपने पड़ोसी देश से, और इसी बात को चाइना को डर है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, यूक्रेन दौरे के बाद अब भारत आ रहे ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन की ट्रेड डील सहित तमाम मुद्दों पे होगी चर्चा। गुजरात का दौरा करेंगे, बड़ी खबर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसी महीने के आखिरी में भारत के दौरे पर यहाँ रहेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों पक्ष अपने संबंधों को और भी मजबूत करेंगे। जॉनसन अगले हफ्ते दिल्ली के दौरे पर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉनसन के बीच आखिरी मुलाकात पिछले साल नवंबर में ग्लासगो समिट के दौरान हुई थी। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन
21 और 22 अप्रैल 2022 को अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के तहत भारत आएंगे। 21 अप्रैल को गुजरात का दौरा करेंगे और 22 अप्रैल को पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। नई दिल्ली में हिंद प्रशांत में घनिष्ठ साझेदारी और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत भी करेंगे। और यात्रा गुरुवार को अहमदाबाद से प्रमुख व्यवसायियों से मिलने और यूके और भारत के व्यापार और लोगों के संबंधों पर चर्चा के लिए भी कहीं ना कहीं एक तरीके से शुरू होगा। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो रशिया और यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन का दौरा बोरिस जॉनसन ने किया था और अब वो भारत दौरे पर आ रहे हैं, इसके भी कई मायने हैं रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, चीन की चालबाजी वेनका वैलेसी के पास लगाए गए 3 मोबाइल टावर स्थानीय पार्षदों ने शेयर की तस्वीरें। दरअसल आपको बता दें, चाइना लगातार लेसी से सटे इलाके में अपनी हरकतें जारी रख रहा है। इस बीच उसने वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास 3 मोबाइल टावर लगा दिए हैं। लेसी के फ्रंट वाले इलाके में चीन के कब्जे वाले क्षेत्र में 3 नए मोबाइल टावर लगाए जाने की तस्वीरें सामने आई हैं और यह लद्दाख सत्ता पहाड़ी विकास परिषद ले के चुगुल से पार्षद कोचोंग स्टेंजिन ने शेयर किए। जानकारी मुताबिक चाइना ने टेंग्योंग झील पर पुल का काम खत्म करने के बाद हॉट स्प्रिंग इलाके में ये 3 टावर लगाए गए हैं। ये जगह भारत के काफ़ी करीब है और इससे पहले भी कई बार इस तरीके की खबरें सामने आ चुकी थी कि चाइना जो है लगातार कंस्ट्रक्शन सहित कई चीज़ों का निर्माण जो है वो कर रहा है और अब ये चाइना ने इस चीज़ों को कंस्ट्रक्शन करके कहीं ना कहीं भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है। चाइना जो है खबर निकल के आ रही है कि गांव बसाने की तैयारी कर रहा है और 624 गांव बसा भी दिए हैं भारतीय सीमा के पास, ऐसी भी खबर आई है, जिनका काम पूरा हो गया और चाइना ने इससे सैन्यकृत गांव के निर्माण का काम साल 2017 में ही शुरू कर दिया था। तो ये चीनी मोबाइल टावरों को लगाने का मकसद जो है, चाइना कहीं ना कहीं एक तरीके से यहाँ पर लोगों को नेटवर्किंग सिस्टम से भी जोड़ने की तैयारी कर रहा है, जो कि भारत के लिए एक चैलेंज जरूर है, लेकिन भारत इससे निपटने को तैयार है। एक और अपडेट लेते हैं, बड़ी खबर निकल के आ रही है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत पीएम मोदी के सामने आए घुटनों पे, शांति वार्ता की बात की, बोले भारत साथ चाहते हैं शांतिपूर्ण संबंध। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखकर नई सरकार गठन की बधाई दी थी, जिस पर उन्हें जवाब मिला। शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी को जवाबी पत्र लिखते हुए कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक संबंधों की मांग करता है, क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये बात पीएम मोदी की उस बात के जवाब में कही है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री को जमीन से आतंकवाद को खत्म करने के प्रयास तेज करने चाहिए। पीएम मोदी ने चिट्ठी से पहले ट्वीट कर पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री को सरकार गठन की बधाई दी थी। इसमें उन्होंने लिखा था कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने की बधाई, भारत और अपने क्षेत्र में आतंकवाद मुक्ति शांति और स्थिरता चाहता है, जिससे हम देश के विकास के दौरान आने वाली चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित कर सकें और अपने लोगों की भलाई और समृद्धि को सुनिश्चित कर सकें। आपको बता दें, पीएम मोदी की बधाई वाला ट्वीट अगस्त 2018 में इमरान खान को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने पर भेजे गए पत्र के समान था। हम चलते हैं, और अपडेट लेते हैं, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए घातक हथियार मुहैया करा रहे हैं पश्चिमी देश यूक्रेन को। दरअसल आपको बता दें, रूस और यूक्रेन की जंग को 2 माह पूरे होने वाले और इस दौरान रूसी हमलों से यूक्रेन को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। रूस से चल रही इस जंग में यूक्रेन को लड़ने के लिए कई देशों ने विभिन्न तरह के हथियार और दूसरे सैन्य साजो सामान भी दिए हैं। इसकी मदद से रशिया को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें, दुनिया भर के तमाम देशों की मदद के बाद रूस ने अब धमकी भी दे दी है। उन्होंने कहा है कि नेटो या फिर अमेरिका अगर लगातार मदद करते रहेंगे यूक्रेन के सैन्य हथियारों से, तो परिणाम भुगतने के लिए वो भी तैयार हैं, लेकिन ज़रा समझ लीजिए कि हम उसमें कैसे मदद कराया जा रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन की रूस से लड़ने के लिए पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल FMG-148 जेवलिन दी है और इसको जवान अपने कंधे पर रख कर कहीं भी ले जा सकते हैं, अंधेरे में भी सटीक निशाना लगा सकता है, इसको अकेला जवान भी ऑपरेट कर सकता है, ये टैंक के मोटे बख्तर को भी भेज सकती है। तुर्की और अमेरिका ने यूक्रेन को हमलावर ड्रोन मुहैया कराए हैं। हमलावर ड्रोन को बनाने के क्षेत्र में तुर्की काफ़ी आगे पहुंच चुका है, इसका इस्तेमाल अफगानिस्तान में भी किया जा चुका है। रूस की सेना की इससे काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा है। हम चलते हैं, और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां जयपुर रेजिया में फास्फोरस बम बरसा रहा रशिया, लोगों ने बताया खौफनाक मंजर। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध विनाशकारी मोड़ लेता जा रहा है। इसी बीच आपको बता दें, यूक्रेन के जयपुरेजिया शहर में रूसी ने चारों तरफ से घेर लिया है उस शहर को।
दरअसल हर तरफ बमबारी हो रही है। रूसी सेना आसमान से फास्फोरस बम बरसा रही है जो प्रतिबंधित है। अपना घर बार छोड़कर किसी तरीके से जान बचाकर शरणार्थी शिविरों में शरण लेने वाले लोगों ने आज तक से खौफनाक मंजर बयान किए हुए हैं। अपने मोबाइल फ़ोन पर 68 साल की तैरतन्या और खौफनाक मंजर बार बार देखती रहती हैं। आसमान से बरसे अंगारे भी उनकी आंखों में दहशत भर देते हैं और यही कारण है कि लगातार फास्फोरस बम से निशाना कर रहे हैं। एक और अपडेट लेते हैं। यरूशलेम में तनाव जारी, अल-अक्सा मस्जिद पहुंची इसराइल की पुलिस, 2 फलस्तीनियों को किया गया गिरफ्तार। दोस्तों, इसराइल की पुलिस ने फलस्तीनियों संग हुई झड़प को 2 दिन यरूशलेम के संवेदनशील धार्मिक स्थल अल-अक्सा मस्जिद के परिसर में प्रवेश कर दिया है। पुलिस ने रविवार तड़के मस्जिद के बाहर मौजूदा फलस्तीनियों को क्षेत्र से हटाने को कहा है। हालांकि दर्जनों फलस्तीनी उस वक्त इमारत के भीतर भी मौजूद थे। अधिकारियों के अनुसार पुलिस ने कम से कम 2 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस ने 30 शहीदियों के सामने समूह के लिए सुरक्षित रास्ता बनाने के वास्ते काफी बाकी लोगों को यहाँ से हटाया है। आपको बता दें, अल-अक्सा मस्जिद को इस्लाम का तीसरा पवित्र स्थल माना जाता है, लेकिन वहां से आतंकी गतिविधि होने के आरोप में लगातार इसराइल की सेना लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर शांति के मूड में नहीं सनकी किम जोंग, दादा की जयंती मनाने ही किए गए नए हथियार की परीक्षण कर दिया। दरअसल उत्तर कोरिया ने रविवार को एक नए सामरिक निर्देशित हथियार का सफल परीक्षण करने की घोषणा कर दी। उत्तर कोरिया ने हाल ही में अपने दिवंगत संस्थापक किम इल सुंग की जयंती मनाई, लेकिन इस दौरान अपेक्षित सैन्य परेड नहीं की गई। अमूमन उत्तर कोरिया नवनिर्मित मिसाइलों की विशाल सैन्य परेड के साथ सुंग की जयंती मनाता है। नया परीक्षण जयंती के तुरंत बाद उत्तर कोरिया द्वारा किए गए परीक्षणों का हिस्सा है। उत्तर कोरिया ने कुछ दिन पहले ही हथियारों का परीक्षण किया है। ऐसी आशंका है कि उत्तर कोरिया जल्द ही अपने हथियारों के परीक्षण को तेज करेगा, जिसमें परमाणु परीक्षण भी शामिल हो सकता है, और इसका मकसद देश के परमाणु शस्त्रागार को विस्तार देना और ठप पड़ी कूटनीति के बीच उनके प्रतिद्वंद्वों का दबाव बढ़ाना है। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। पाकिस्तान के नए नवेले प्रधानमंत्री की बढ़ गई मुश्किलें, 5 दिनों से गठबंधन के सहयोगियों को मनाने में जुटे। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने शुक्रवार को संकेत दिए हैं कि उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो सकती हैं, जो 5 दिनों के कार्यकाल के बाद भी अपनी कोर टीम को अंतिम रूप देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री पद की शपथ देने के बाद शहबाज के साथ किसी और मंत्री की शपथ नहीं ली। बताया जा रहा है कि शहबाज मंत्रिमंडल के गठन पर गठबंधन के सभी सहयोगियों को मनाने में असमर्थ हैं। हालांकि जरदारी ने संकेत दिया है कि उनकी पार्टी चाहती है कि शहबाज सरकार में गठबंधन सहयोगियों को शामिल किया जाए। तो दोस्तों, आपको बता दें, छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करके मुश्किलों में फंस रहे हैं शहबाज शरीफ, यानी छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन कर सत्ता में तो आ गए हैं, लेकिन अब जो है वो मामला फंसता दिखाई दे रहा है। एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर दिल्ली में हुई हिंसक दंगे के बीच गृहमंत्री अमित शाह ने दिए आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जहांगीर इलाके में हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा के दौरान हिंसा मामले में आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी तेज है। हिंसा के मामले में अभी तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पहले 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद 5 और आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया। DCP नॉर्थ वेस्ट उषा रंगनानी ने जानकारी देते हुए बताया है कि जहांगीरपुरी हिंसा के सिलसिले में 5 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। हिंसा में शामिल अभी तक कुल 14 लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं और पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ी कर दी गई है। इलाके की छावनी में तब्दील करते हुए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनाती कर दी गई है। शनिवार को हिंसा में 8 पुलिसकर्मी और नागरिक समेत 9 लोग घायल हो गए थे। हॉस्टल में उनका इलाज चल रहा है। एक सब इंस्पेक्टर की गोली भी लगी थी। इनकी हालत स्थिर है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। जहांगीरपुरी हिंसा में शामिल लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वहीं जहांगीरपुरी हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स तैनात भी कर दी गई है। हम चलते हैं, गौर अपडेट लेते हैं। दंगाइयों ने जेवर और अनाज लूटा, घरों में आग लगा कर चले गए, खुलकर सामने आया हिंदू परिवारों का दर्द। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में भड़की हिंसा कई परिवारों के लिए जीवन भर का दर्द दे गई है। शहर के 7 क्षेत्रों में दंगाइयों ने हिंदू परिवारों पर कहर बरपाया। पेट्रोल बम फेंककर घरों पर फूंक दिया गया, कहीं जेवर लूटे तो कहीं से अनाज लूट कर ले गए। दंगाइयों के दहशत से प्रभावित इलाकों के 35 हिंदू परिवार को घर छोड़कर जा चुके हैं। 6 दिनों बाद स्थिति अब ऐसी है कि अगर कोई घर लौटना नहीं चाहता तो दंगे में 75 से ज़्यादा मकानों में तोड़फोड़ व आगजनी हुई थी। किसी बेटी की शादी की खुशियां लुट गई, किसी परिवार की रोजी रोटी का सहारा रिक्शा ही जला दिया गया। कई लोगों के पास तो अब कपड़े अनाज तक नहीं बचे हैं। हालांकि आपको बता दें, ताबड़तोड़ एक्शन के आदेश गृहमंत्री अमित शाह ने दे दी है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बातचीत करते हुए कहा कि जिहादियों के घर पर
ताबड़तोड़ एक्शन किया जाए और बुलडोजर वाली कार्रवाई दिल्ली में देखने को मिल सकती है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर भोपाल में होश ठिकाने आने के बाद अब हनुमान जयंती में पत्थरबाजी नहीं बल्कि फूल बरसाए मुस्लिम समुदाय ने पेश की। जी हाँ, दरअसल देश में रामनवमी के बाद हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली समेत कई जगहों पर सांप्रदायिक हिंसा की खबरें आईं, लेकिन मध्य प्रदेश में रामनवमी में ही सांप्रदायिक खबरें आ गई थी। उसके बाद बाबा मामा का बुलडोजर भी चला और जो कार्रवाई हुई वो भी आपने देखा। अब बड़ी खबर निकल के आई जहाँ बुलडोजर वाली कार्रवाई होने के बाद मुस्लिमों के होश ठिकाने में आ गए। अब उन्होंने फूलों की माला यानी फूलों की बारिश की है, जो पत्थर बरसाए जा रहे थे वो एक हफ्ते के अंदर ही उनके वो ठिकाने में आ गए और पत्थर की बारिश की जगह फूलों की बारिश करने शुरू कर दी। घटना का वीडियो भी सामने आया और इस वीडियो में दिख रहा है कि एक सड़क पर जुलूस के दौरान काफ़ी संख्या में लोग लाल झंडे लिए हुए थे। इसी बीच कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी जुलूस में दिखे। मुस्लिम समुदाय के लोग वहाँ जुटी भीड़ पर फूल बरसाते हुए भी दिखाई देते हैं। ये वीडियो भोपाल के 4 बत्ती इलाके का है और इससे पहले इतवार में अजान के वक्त जुलूस ने DJ रोक दिया था। ये यात्रा कृषि उपज मंडी से शुरू होकर शहर के कई अहम मार्गों से गुजरते हुए बेतरवर्ती तट पर पहुंचकर ख़त्म हो गई थी। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आई है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां दिल्ली हिंसा के बाद दिल्ली की किलेबंदी। गृह मंत्रालय ने भेजी CRPF की 5 कंपनियां, 500 जवान करेंगे पुलिस की मदद। दरअसल आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आई, हिंसा के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए CRPF यानी सेना को उतार दिया गया है। दिल्ली में जहांगीरपुरी में हिंसा और दंगे के बीच सेना को उतारा गया है। 500 जवान जो है वो पुलिस की मदद करेंगे और उन उपद्रवियों की गिरफ्तारी धरपकड़ के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाएगी। ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। आपको बता दें जिस तरीके से हनुमान जयंती के दौरान कहीं ना कहीं हनुमान भक्तों पर, राम भक्तों पर पत्थरबाजी की गई और उन्हें मारने पीटने की कोशिश की गई। जांच रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो समझ लीजिए। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि पहले जो यात्रा निकली थी हनुमान यात्रा, उसमें मस्जिद के सामने गुजर रहा था तो मस्जिद के बाहर कुछ नमाजी निकले और उन्होंने बतंगड़ शुरू कर दिया यानी बातचीत करना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये मामला होता गर्मा गया और फिर वहाँ पर ये हिंसा की बातें होने लगी थी। एक और अपडेट, आतंकियों से सीधे संपर्क में था गोरखनाथ मंदिर परिसर में हमला करने वाला मुर्तजा अब्बासी, ली थी ऑनलाइन शपथ। जी हाँ, दरअसल गोरखनाथ मंदिर परिसर में हमला करने वाला अहमद मुर्तजा अब्बासी कट्टरपंथियों से न सिर्फ प्रभावित था बल्कि उसने सीधे संपर्क में भी था। आतंकवाद निरोधा दस्ता ATS ने मुर्तजा से पूछताछ के दौरान उनके विरुद्ध कई अहम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाने के साथ मुर्तजा के सीरिया के खातों में किए गए वित्तीय लेनदेन के भी प्रमाण जुटाए हैं, जिसके बाद ATS ने आरोपित मुर्तजा के विरुद्ध दर्ज मुकदमे में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के विभिन्न धाराओं की बढ़ोतरी की। ATS अब मुर्तजा के विरुद्ध चल रहे केस को लखनऊ स्थित NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी ATS की विशेष अदालत में स्थानांतरित करने की तैयारी में जुट गई है। वहीं NIA ने अब इस केस को जल्द से अपने हाथों में लेने की संभावना की गई है। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल के आई है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है एक और। आपको बता दें सपा विधायक सहजल की बढ़ती मुश्किलें, 34 और पेट्रोल पंपों पर BDA की नज़र। दरअसल सपा विधायक सहजल इस्लाम के पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चलाने के बाद बरेली विकास प्राधिकरण के टारगेट पर अब 34 और पंप आ गए हैं। पेट्रोल पंप नक्शे के विपरीत बनाए गए हैं। प्राधिकरण से पेट्रोल पंप के NOC तक नहीं ली गई थी। VDA इन पर भी कार्रवाई की तैयारी में लग गया है। बरेली विकास प्राधिकरण ने पिछले दिनों सपा विधायक सहजल इस्लाम के पेट्रोल पंप को अवैध मानते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की थी। मामला लखनऊ के लेकर दिल्ली तक सुर्खी में आ गया था। अगले राउंड में प्राधिकरण 34 पेट्रोल पंपों को निशाने पर लेने जा रहा है। इन्हें नोटिस जारी किए गए हैं और पेट्रोल पंप संचालकों ने BDA से NOC लिए हुए हैं। नक्शे के विपरीत निर्माण करने और बिना नक्शा के पंपों के निर्माण किए गए हैं। तमाम बिंदुओं पर संचालक प्राधिकरण के टारगेट पर आ गए हैं। VDA की तरफ से इन पेट्रोल पंपों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। VDA उपाध्यक्ष जोगिंदर सिंह का कहना है कि प्राधिकरण सीमा में बने पेट्रोल पंपों को नोटिस लगातार दिया जा रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बिग ब्रेकिंग। केरला में RSS कार्यकर्ता की हत्या, BJP ने PFI पर लगाया आरोप, कहा चल रहा जिहादियों का राज।
केरला के पलक्कड़ में अपराधियों के गैंग में शनिवार को आरएसएस कार्यकर्ताओं की श्रीनिवासन की हत्या कर दी। श्रीनिवासन आरएसएस के पूर्व फिजिकल टीचर भी चीफ थे। स्थानीय पुलिस के अनुसार 45 साल के श्रीनिवासन पलक्कड़ शहर के स्थित अपनी दुकान में बैठे हुए थे, तभी उन पर हमला हुआ। हमलावर 3 बाइक पर सवार होकर आए हुए थे। वो सीधे श्रीनिवास के दुकान पर घुसे और हमला कर दिया। बाद में पड़ोस के लोग पहुंचे और श्रीनिवास को निजी हॉस्पिटल ले गए, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। बीजेपी ने श्रीनिवास की हत्या के लिए पीएफआई पर आरोप लगाया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्र ने ट्वीट किया, केरला में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो गई है। पॉपुलर फ्रंट ने आतंकवादियों ने दिन दहाड़े पूर्व आरएसएस प्रवक्ता श्रीनिवासन की बेदर्दी से हत्या कर दी थी। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के शासनकाल में राष्ट्रवादी बलों ने 23 कार्यकर्ता खो दिए हैं। केरला में वामपंथी और जिहादियों के आतंक का भी राज चल रहा है। इस तरीके से ये खबर भी निकल के आई है। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को